जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज जैसलमेर के जोगा गांव निवासी सूबेदार गुमान सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान बेटी सौ को देख बिलख पड़ी आसपास मौजूद परिवार के लोगों ने उन्हें संभाला। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे पहलाज सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। गांव वालों ने बताया कि सूबेदार गुमान सिंह के 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़कों में पहलाज सिंह सबसे बड़ा लड़का है। पहलाज सिंह को गुमान सिंह भारतीय सेना में ऑफिसर बनाने की चाहत रखते थे। पहलाज सिंह नागौर जिले के कुचामन में 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। सूबेदार गुमान सिंह 5 दिन पहले जैसलमेर में छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे। किसान पिता बेटे गुमान सिंह ने 27 साल पहले भारतीय सेना में ज्वाइन की थी। अगले 10 महीनों में वे भारतीय सेना से रिटायर्ड होने वाले थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश से सिक्किम उन्हें भेजा गया था। गुमान सिंह के 2 बड़े भाई भी हैं, जिनमें एक अमर सिंह फौज से रिटायर्ड है। सूबेदार गुमान सिंह ने अपनी 27 साल की नौकरी में श्रीनगर व लेह लद्दाख समेत भारत के कई जगहों में सेवाएं दी है। वहीं जैसे ही आज पार्थिव शरीर उनका पैतृक गांव पहुंचा तो हर किसी की आंख नम हो गई और बड़ी संख्या में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव जोगा लाया गया, भारत माता के जयकारों के बीच उनको अंतिम विदाई दी गई। वे जैसलमेर के रहने वाले थे। सूबेदार गुमान सिंह की पार्थिव देह भी उनके गांव जोगा लाई गई। वहीं तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देख शहीद वीरांगना का रो रो के बुरा हाल हो गया। माँ भारती के लाल ने जब सिक्किम के जयमा क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त किया है। सूबेदार गुमान सिंह के जयकारों के बीच उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव जोगा पहुंचा, जहां शहीद के निवास स्थान पर सैन्य अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और भारत माता के जयकारों के बीच शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट किया गया। आज सुबह इनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज जैसलमेर के जोगा गांव निवासी सूबेदार गुमान सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान बेटी सौ को देख बिलख पड़ी आसपास मौजूद परिवार के लोगों ने उन्हें संभाला। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे पहलाज सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। गांव वालों ने बताया कि सूबेदार गुमान सिंह के 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़कों में पहलाज सिंह सबसे बड़ा लड़का है। पहलाज सिंह को गुमान सिंह भारतीय सेना में ऑफिसर